हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। तो यार आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एक ऐसे ट्राईपॉड के बारे में कि अगर आप एक ऐसा ट्राईपॉड लेना चाहते हो जिसकी यहाँ पे आप थोड़ी बहुत लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आपको मोबाइल फोन होल्डर भी मिल जाए, जो आपका बजट यहाँ पे रहेगा 300 रुपीस तक के आसपास का, और उस ट्राईपॉड की बिल्ड आपको चाहिए एकदम सॉलिड बिल्ड जिसके ऊपर आप व्लॉगिंग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, मेटालिक फील वाला यहाँ पे आपको ट्राईपॉड मिल जाएगा। तो फटाफट से बात कर लेते हैं अपने फोट्रोन के यहाँ पे व्लॉगिंग वाले ट्राईपॉड के बारे में। इसको हम टेबल ट्राईपॉड भी कह सकते हैं और अपने व्लॉगिंग के लिए तो बहुत ही आसान है। तो फटाफट से करते हैं शुरू इस वीडियो को बहुत ही मजेदार वीडियो की तरह, क्योंकि इस ट्राईपॉड के बारे में तो आपका भाई आज धमाल ही मचा देगा। तो गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये ट्राईपॉड जो आ रहा है वो फोट्रोन की तरफ से 150 मिनी ट्राईपॉड के नाम से ये बिक रहा है। बहुत ही तगड़ी सॉलिड बिल्ड है यार, इसको यूज करते हो मेरे को अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 महीने हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपके लिए एक रिव्यू लेके आ गया हूँ कि आपको ये ट्राईपॉड लेना चाहिए अगर आप व्लॉगिंग वगैरह या टेबल माउंट करना चाहते हो। अब इसकी यार आप सोच रहे होगे बड़ा बच्चा सा ट्राईपॉड है, इसकी आप लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हो, वो होगी ऐसे ऐसे और ऐसे। भाई बहुत ही लंबा ट्राईपॉड हो जाता है और आप इसको अपनी पॉकेट में भी आराम से रख सकते हो, आप देख सकते हो काफी लंबा ट्राईपॉड है। और गाइस वीडियो छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको व्लॉगिंग टेस्ट भी यहाँ पे मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे इसका मोबाइल फोन होल्डर देखो ना, तो बहुत ही प्रीमियम डिजाइन वाला माइक्रोफोन होल्डर है और आप यहाँ पे उसको डबल साइड एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक साइड लगाया हुआ और यहाँ पे सेंटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसी बजट सेगमेंट में चेक करोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे फोन होल्डर देखने के लिए मिलेंगे और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ऐसी बिल्ड का, बहुत ही तगड़ी सॉलिड बिल्ड है यार। इसको यूज करते हुए कितना टाइम हो गया और अभी तक खराब भी नहीं हुआ। जो मेरा मेन ट्राईपॉड है ना, उस पे भी सेम माउंट लगा हुआ है, और अगर आप ये वाला यूज करोगे ना, तो यार सच्ची बता रहा हूं खराब तो हो ही जाएगा और आपका ट्राईपॉड भी नहीं बजेगा। और एक चीज गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे ट्राईपॉड मिल रहे हैं ना इस बजट के अंदर, भाई मैं ये बता रहा हूँ एल्यूमिनियम बिल्ड के होते हैं और ये पूरा मेटालिक बिल्ड है, आपके यहाँ पे खराब वगैरह होना तो भूल ही जाओ। और गाइस इस ट्राईपॉड को ना कैरी करने में भी ना यार कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं दिक्कत। इसको ऐसे प्रेस करो, ये हो गया छोटा, और यहाँ से इसको आप घुमाओ गोल गोल, आपका यहाँ से निकल आएगा ये वाला जो स्टैंड है वो सारा। अब ये अलग होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसको डालो अपनी पॉकेट के अंदर और इसको डालो अपनी पॉकेट के अंदर। भाई कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पे पॉकेट के अंदर ट्राईपॉड पड़ा हुआ है। और ये यार यहाँ पे आपको डबल माउंट का यहाँ पे बात कर रहा था ना, तो आप खोला ही है तो दिखाई देता हूँ। अब आपको ट्राईपॉड यहाँ से ऐसे भी माउंट कर सकते हो, इसको गोल गोल घुमा के ये आपका ट्राईपॉड ऐसे लग गया। अगर आपको इसको ऐसे स्टाइल में पकड़ना है, इसको अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में नहीं पकड़ना और लैंडस्केप मोड में पकड़ना है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसको यहाँ से खोलो और जैसे मैंने पहले लगाया हुआ, तो आप इसको ऐसे लगा लो, तो मतलब यार आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड की फुल छूट मिल रही है, कुछ भी कर लो। अब आप बोलोगे यार ये इधर उधर कैसे मूव होगा, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक पिन दी हुई है। अब इस पिन को ढीला करते ही ना यार ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, और आपको जैसे भी इसको जिस स्टाइल में रखना है आप उसको वैसे मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वाले सेटअप पे यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। अब गाइस बातें तो काफी हो गई, अब आपको व्लॉगिंग टेस्ट भी दिखा देते हैं। आपका भाई यार व्लॉगिंग मतलब कम ही करता है, बट आपके लिए पहली बार व्लॉगिंग टेस्ट तो यार हो ही जाना चाहिए। हाँ तो गाइस आपको ये ऐसी लुक मिल जाएगी व्लॉगिंग करते हुए। अब यहाँ पे मैं बताऊं तो मेरे फोन की फ्रंट की स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है और इसके अंदर स्टेबलाइजेशन वाला फीचर नहीं है, बट अगर यहाँ पे मैं इसके बैक कैमरा की बात करूं तो वहां पे स्टेबलाइजेशन है। अभी फ्रंट से रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, अपनी शक्ल देखना किसको नहीं पसंद। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा वाइड एंगल कैमरा तो नहीं है, बट आप इसको वाइड एंगल बना सकते हो। मैंने पूरा ट्राईपॉड खोल लिया, अब मैं आपको फुल साइज भी दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको ये यहाँ पे वाइड एंगल देखने के लिए मिल जाता है और ये फुल साइज हो जाएगा। अगर मैं आपको छोटा करके दिखाने की कोशिश करूं तो वो भी दिखा देता हूं। और ये गाइस मैंने यहाँ पे इस ट्राईपॉड को छोटा कर लिया है। मैं होप कर रहा हूं आपको यार अच्छा तो लग रहा होगा और आराम से ब्लॉक कर सकते हो। अपनी जेब से निकालो ट्राईपॉड को और जैसे मर्जी यूज कर लो। अब यार थोड़े बहुत स्टाइल अगर हम यहाँ पे ट्राईपॉड के नाम आ रहे तो कैसे मजा आएगा। हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। तो यार आपका भाई यहाँ पे आ गया व्लॉगिंग टेस्ट लेके आपके लिए। फोन में यार वाइड एंगल नहीं है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको व्लॉगिंग टेस्ट से यार देखने के लिए मजा आएगा ही आएगा। अब आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे यार अच्छी वीडियो नहीं थी, तो यहाँ पे आप बैक कैमरा में भी स्विच कर लेते हैं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। तो अब आप यहाँ पे आ चुके वाइड एंगल के अंदर, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरी शक्ल भी आपको देखने के लिए मिल जाए, और अगर मैं कटपीट रहूंगा तो यार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो आप मेरी तरफ से कर ही लोगे। और अब यहाँ पे मैं लॉबी में खड़ा हूं, तो आपको आवाज भी थोड़ी बहुत यहाँ पे गूंजी हुई सुनाई देने के लिए मिलेगी, तो उतना तो कॉम्प्रोमाइज यार आप कर ही लोगे। आपके लिए टेस्ट जो बना रहा हूं मैं यहाँ पे,
तो गाइस होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं यहाँ पे इस वीडियो को ऐसे ही यहाँ पे रोकने वाला हूं, मतलब एंड करने वाला हूं। तो गाइस कुछ करना नहीं है ज्यादा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। मजेदार वीडियो तो आपको लगी होगी, अगर आप अभी तक यहां तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब तो यार करे बिना नहीं जाओगे ना, तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको पसंद आई होगी तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। तो मिलते हैं अगली बार बहुत ही मजेदार वीडियो की तरह ही।